السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

आज की मजलिस का मौजू रहेगा रोज़ा छोड़ने के उज़्र से मुतालिक मसाइल यानी वो उज़्र जिस बिना पर शरीयत रोज़ा छोड़ने के जवाब और इजाज़त के लिए मसाइल हो इकट्ठा होते हैं अब मसला ये है कि किसी शख्स को खौफ हो कि अगर वो रोज़ा नहीं छोड़ेगा तो उसकी आँख का दर्द शदीद होगा और उसका बुखार शिद्दत इख्तियार करेगा तो उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है इसी तरह जब हामिला या दूध पिलाने वाली खातून को अपने आप या बच्चे का डर हो तो वो रोज़ा छोड़ सकती है इसी तरह लोंडी को खौफ हो कि जब वो खाना पकाए या ऊन वगैरह काटे या कपड़े धोने से कमज़ोरी का शिकार होगी या उसी तरह अगर आ, कामों की वजह से ये डर हो कि अगर ऐसी हालत है कि उसे अपने नफ्स का खौफ है तो वो रोज़ा तोड़ दे उस पर कज़ा है कफारा नहीं यानी उसे कज़ा उसकी कज़ा ज़रूर है लेकिन कफ़ारा नहीं फिर इसी तरह जब किसी शख्स को सांप ने डसा और उसने दवाई पीने के लिए रोजा तोड़ दिया तो फरमाते हैं कि यह दवाई उसके लिए नफा बख्श है तो फिर कोई हर्ज नहीं वो रोजा छोड़ सकता है फिर मसला यह कि इसी तरह जब कोई शख्स दुश्मन के मुकाबले में हो और उसे कमजोरी का डर हो तो वो रोजा तोड़ सकता है मुकीम हो या मुसाफिर हो फिर मसला यह है कि अगर कोई शख्स कि ये हालत हो कि पूरा महीना रोजा रखने की वजह से वो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकेगा और अगर वो रोजा न रखे तो खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है तो वो रोजा रखे और बैठ कर नमाज पढ़े इसी तरह दोनों इबादतें जमा हो जाएंगी फिर मसला यह कि अगर किसी शख्स को कभी कभार बुखार होता है और उसे ये अंदाज़ा है अंदेशा है यकीन है कि ये बुखार की बारी है कि आज बुखार का दिन है तो वो रोज़ा तोड़ दे हालांकि बुखार नहीं आया था तो अब उस पर कफारा लाजिम है फिर मसला यह कि अगर इसी तरह कोई औरत यह ख्याल कर रोजा तोड़ दे के ये उसके हैज़ का दिन है और उस दिन उसे हैज़ नहीं आया तो उस पर कफारा लाजिम है क्योंकि वो रोदा ऐसे दिन में तोड़ ना पाया गया जिसमें रोजा रखने का शुबा मौजूद था फिर मसला यह है कि मुसाफिर को कोई चीज याद आई जब वो घर में भूल आया था वो घर में दाखिल हुआ रोजा तोड़ दिया फिर बाहर चला गया तो कयास के मुताबिक उस पर कफारा होगा क्योंकि खाने के वक्त वो मुकीम था इसलिए कि वापसी की वजह से वो सफर छोड़कर छोड़ कर, छोड़ चुका था फिर मसला यह कि नफली रोजे वाला शख्स जब अपने किसी भाई यानी दोस्त वगैरह के पास जाए और उसे खाने खाने का मुतालबा करे तो उसकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं और अगर हाँ वो माह रमज़ान की कज़ा का रोज़ा हो और उसने खाना खा दिया तो ये किया। तो अगर नफली रोज़ा है और किसी भाई के पास जाए और उसने खाने का मुतालबा करे तो उसकी बात माने उसमें कोई हर्ज नहीं फिर मसला ये कि अगर कोई शख्स किसी बीमारी की वजह से माह रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे तो उस पर कज़ा लाजिम है फिदिया देना जायज़ नहीं है अगर वो ठीक होने से पहले मर गया तो उस पर कुछ नहीं क्योंकि उसने दूसरे दिनों को नहीं पाया और उस पर लाजिम है कि वो फतिए की वसीयत कर जाए जो हमारे नज़दीक उसके तिहाई माल से वसीयत की जाएगी और अगर वो वसीयत न करे और वर्षा अपनी जानिब से फितिया दे दे तो भी जायज़ है और वसीयत के बगैर उन पर लाजिम नहीं यानी उनके गुरसाओं पर यह लाजिम नहीं कि उसकी फिदिये को वो अदा करें तो जो लोग बीमारी की वजह से माह रमज़ान का छोड़ते हैं रोज़ा छोड़ देते हैं फिर ये उम्मीद करते हैं कि अब हम पर कोई चीज़ नहीं है ऐसा नहीं है अगर किसी बीमारी की वजह से भी रमज़ान का रोज़ा आपका छूट गया तो फिर आप पर कजा लाजिम है और आप इसको फदिया नहीं दे सकते ये जायज़ नहीं है जब आप अच्छे दिन पाएं फिर मसला यह है कि मरीज ने कुछ दिन रोज़ा न रखा फिर कुछ दिन ठीक रहने के बाद मर गया तो जितने दिन में ठीक रहा उस पर कजा हो गई क्योंकि कजा पर कुदरत इतने ही दिन की होगी जितने दिन उसने हालत सेहत में पाई फिर मसला यह कि जब किसी शख्स पर कज़ा वाजिब हो जाए यानी उसने उज़्र की वजह से या उज़्र के बगैर रोज़ा तोड़ दिया और कजा कि हत्या के आजिज हो गया शेख फानी बन गया इस तरह के अब उसका रोजा रखने की उम्मीद ही नहीं है उसके लिए फतिया देना जायज़ है कि जब वो शेख फानी हो जाए तो वो फतिया दे सकता है और उसके लिए फतिया असल रोजे की तरह जायज़ है और माह रमजान का रोजा यानी जब वो कदा से नाउमीद हो जाए बस वह हर दिन के बदले निसफ सा दो किलो ग्दूम और उसमें वो चीज़ें दे सकता है जो अदायगी फितरत के तौर पर जायज़ है मगर फितिए में दो वक्त का शेर भर कर खाना मुबाह करे या उनको खिलाए यह जायज़ है ये सब सदक फित्र में जायज़ नहीं है फिर मसला ये है कि जिस शख्स पर कसम या कत्ल का कफारा वाजिब हो गया जब वो कफ़ारा देने के लिए कोई चीज ना पाए और वो बहुत बूढ़ा हो या उसने रोजा न रखा हती के बहुत बूढ़ा हो गया तो फ्रदिया देना जायज़ नहीं क्योंकि यहां रोजा उसके गैर के बदल का है उसी वजह से रोजे की तरफ जाना उस वक्त जायज़ है जब माल के जरिए कफारा अदा करने से आजिज हो और फदिया उस रोजे से जायज़ होता जो असल हो फिर मसला यह है कि किसी शख्स ने रोजेदार को देखा कि वो भूल कर खा रहा है उसने कहा तू रोजेदार है और ये माह रमजान है तो उस शख्स ने कहा कि मैं रोजेदार नहीं हूं और खाना खा लिया फिर याद आ गया कि मैं तो रोजेदार था तो हजरत इमाम यूसुफ अलैहि रत और के नजदीक उसका रोजा टूट जाएगा क्योंकि खाते वक्त वो भूलने वाला नहीं होगा उसलिए कि दूसरे शख्स ने उसको उस बात की खबर दे दी थी और उलमा फरमाते कि रोजा नहीं टूटेगा क्योंकि वो भूलने वाला था मसला यह है कि जिस शख्स ने रोजेदार को देखा कि वो भूल कर खा रहा था तो वो कहा उस पर बताना लाजिम है तो उसने फुका कराम फरमाते हैं कि अगर वो नौजवान है तो रोजे को पूरा करने पर कादिर है तो उसे बता दें और अगर वो बूढ़ा और कमजोर है तो ना बताए क्योंकि बूढ़ा शख्स उसको पूरा करने पर कादिर नहीं बस उसे छोड़ दे हत्ता के वो खा ले फिर उसके बाद की उसको खबर दें। मसला यह है कि अगर औरत अपने खाविन की इजाजत के, के बगैर एहराम बांधे तो फुका फरमाते हैं कि खाविन के लिए जायद है कि वो इसका ए, उसका अहराम खुलवा दे इसी तरह अगर मजदूर का नफली रोजा खिदमत के हवाले से नुकसानदेह हो तो उसे तोड़ने का हुक्म दे सकते हैं नफली नमाज का भी यही हुक्म होगा तो इन मसाइलों में ये शरी उज़्र गिने जाएंगे कि इन उज़रों के बिना पर वो रोज़े को छोड़ सकता है और कब उस पर फितिया और कब उस पर कजा लाजिम है तो रमज़ान शरीफ में लोग उमूमन रोज़े को जो छोड़ते हैं बीमारी की वजह से फिर ये कहते हैं समझते हैं कि अब हम पर रोज़े के ताल्लुक से कुछ नहीं तो ऐसा नहीं है उनके लिए उसकी कजा लाजिम है और उस बीमारी की वजह से जब वो अच्छे दिन हो गए यानी जब अब शिफायाब वाले दिन आ गए तो अब उस कजा के बदले में फिदिया भी देना उसके लिए जायज़ नहीं तो जब वो अच्छे दिन आ जाएंगे जब वो सेहतियाब हो जाएगा तो जो रमज़ान में रोजे छोड़े थे उस पर उसकी कज़ा लाजिम है अल्लाह रब्जत पर बर्दगार आलम हम तमाम मोमिन मुसलमान को रमज़ान की बरकतों से और रोज़ों की हिकमतों से नवाजे और अल्लाह करीम हमारे रोज़े नमाज़ें तरावियाँ तिलावत सदक़ात खैरत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए आमीन बजाय कसकम सलीन अत वसलाया रसूल असलमकुम व वर्कू